बेटा हुन अपा करना कोरिलेशन ऑफ कोरिलेशन कोरिलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद हाइब्रिडाइजेशन विद कोऑर्डिनेशन नंबर की हुंदा बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द लाइगेंड विद द ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन सो एज टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कंपाउंड ठीक है जी सो विद कोऑर्डिनेशन नंबर ऑब्वियसली ऑफ द ट्रांजिशन मेटल और मेटल एटम और आयन ट्रांजिशन मेटल TM लिखना बेटा मैं ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन एंड ज्योमेट्री ऑफ द ज्योमेट्री शेप ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस ठीक है बेटा सो असी कोरिलेशन दसना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन द विद द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन एंड ज्योमेट्री ऑफ द दैट कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्लियर है बेटा हाँ जी बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर अगर TCN लिखा है बेटा तो उसी पेपर च नहीं लिखना कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन अगर 2 आ तो हाइब्रिडाइजेशन SP होनी है शेप जी लीनियर होनी है जो वैन बेटा मैं लिख नहीं रही तुम लिखना है हम यह जो पेपर आ जाता जरूरी नहीं है कि तुम कहो कि आउट ऑफ सिलेबस है कोई चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं जो तुम कर चुके हैं प्लस वन तो सो ऑन केमिस्ट्री के वैन वन एस एन पी जेड ऑर्बिटल ऑफ द बैलेंशियल ऑफ द मेटल एटम ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन इंटरमिक्स अंडरगो SP हाइब्रिडाइजेशन रिजल्टिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 SP हाइब्रिड ऑर्बिटल विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द 2 कॉर्नर दे आर डायरेक्टेड इन अ लीनियर वे एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री सो देयर ज्योमेट्री विल बी लीनियर नाउ हुन आपां कोऑर्डिनेशन नंबर जिहड़ा आ करन लगे आ कि ट्रांजिशन मेटल एटम दा या आयन दा 3 आ तां फिर की होएगा वन एस एन टू पी ऑर्बिटल जरूरी नहीं है PZ PX PY तिना क्योंकि डीजनरेट ने उन्होंने वन एस एन टू पी ऑर्बिटल जोड़े इंटरमिक्स हो गए अंडरगो SP2 हाइब्रिडाइजेशन के SNP ऑर्बिटल ऑफ बैलेंशियल ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन विल अंडरगो इंटरमिक्सिंग रिजल्ट इन टू SP2 हाइब्रिड अंडरगो SP2 हाइब्रिडाइजेशन रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विच आर डायरेक्टेड टू वर्ड द 3 कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ठीक है एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री सो ज्योमेट्री इज ट्राइगनल प्लेनर इन मैं दोबारा दिखाने लगी हूँ क्योंकि मैं वीडियो रोकती सी तो मैं ड्रॉ करके दोबारा दिखानी है बेटा हाँ बेटा फिर मैं रोकती हूँ देखो इफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन इज इक्वल टू 4 तो 1s and 3p ऑर्बिटल इनू PZ मान लें PZ PY PX इन ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम एंड आयन इंटरमिक्स अंडरगो SP3 हाइब्रिडाइजेशन रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द 4 कॉर्नर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन एंड द एंगल बिटवीन दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 109.5 डिग्री और 28 मिनट सो ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल ठीक है जी सो कोऑर्डिनेशन नंबर जरूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी है स्क्वायर प्लेनर कंपलैक्सेस भी होंगे जिदा निकल वगैरह के तो दसन दे है ना की कहांगे आप अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रांजिशन मेटल एटम दा और आयन दा 4 आ ਉਹ DSP2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰਗੋ ਕਰਦੇ ਆ DSP2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਦੇ ਐਟਮ ਔਰ ਆਇਨ DSP2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰਗੋ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲੇਨਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਕਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਆ ਵੈਨ ਇਨਰ देखो बेटा अगर है मैं मन्ना N 4 आ यह है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
है ना, तो ये वैलेंस शेल हो गया आउटर मोस्ट शेल है ना, वैलेंस शेल मान लो है ना 4 आ, तो यदा पेनल्टीमेट शेल एन माइनस 1 पेनल्टीमेट शेल केड़ा होएगा बेटा एन माइनस 1 4 माइनस 1 3 ठीक है। पेनल्टीमेट शेल दा डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल भी केड़ा एन माइनस डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, जेदे दोनों लोब्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लाई कर दे ओ पार्टिसिपेट करेगा इन द हाइब्रिडाइजेशन। सो व्हेन वन इनर यदा मतलब इनर इनर एन माइनस वन डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ऑर्बिटल विल पार्टिसिपेट, एक एक नंबर च आ जाता ऑर्बिटल विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन केड़ी डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर बेटा, दोबारा मैं बोल रही हूँ किने पार्टिसिपेट करना इनर एन माइनस वन डी ऑफ डी एक्स के माइनस वाई स्केयर जेदे दोनों लोब अलोंग द एक्सिस लाई कर रहे हैं बेटा। हूँ इन दिखाने दे लई व्हेन वन डी ऑर्बिटल है ना डी केड़ा डी एक्स केयर माइनस वाई स्केयर ठीक है एक्स एक्सिस सो दिस इज वाई एक्सिस दिस इज जेड एक्सिस। सो अगर एक्स एक्सिस दी आया लॉग एक्स एक्सिस दी दोन एदा साइन भी पॉजिटिव है एदा साइन भी पॉजिटिव है ठीक है, दोनों लोब्स का सेम वेव फंक्शन होना इदा ओ सॉरी दोबारा ड्रॉ करना पैना दिस इज जेड दिस इज एक्स दिस इज वाई एक्स एक्सिस का असी ऑर्बिटल ड्रॉ किया डंबल ड्रॉ किया दिस इज पॉजिटिव लोब आ जोड़ा बाई एक्सिस अलोंग दिस इज हैविंग माइनस साइन वे फंक्शन का साइन माइनस होएगा वन एन माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनर है ना इनर डी ऑर्बिटल अपन अल्टीमेट शेल प्लस वन ns orbital and 2 p orbital np orbital intermix ho gaye 1 n minus dx square minus y square inner d orbital and 1 outer s orbital and 2 p orbital intermix undergo d sp2 hybridization char mix hoye atomic orbital transition metal atom de when 1 n minus dx square minus y square inner d orbital and 1 s valence shell orbital and 2 valence shell p orbital undergo off transition metal atom or ion undergo intermixing result into dsp2 hybridization and result into the formation of 4 dsp2 hybrid orbital which are directed towards the 4 corner of a square planar geometry at an angle of 90 degree. So these are 4 dsp2 hybrid orbital, this is metal. बेटा मैं लिखा नहीं तो तुम्हें लिखना है इन वर्ड्स इन इंटरमिक्स कर आई मीन टू से मिलाओगे डॉटेड लाइन ना कह दी आ देखो ज्योमेट्री की होएगी दे विल बी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ठीक है एंगल की होगा 90 डिग्री। क्लियर बेटा, हूँ आप गल करनी है जो कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन का 5 होगा तो दैट विल अंडरगो
DSP3 hybridization. ठीक है जी, DSP3 hybridization. ज्योमेट्री की होनी है TBP, ट्राइगनल. ट्राई मीन्स थ्री, गनल मीन्स साइड्स, बाई बाई मीन्स टू, पिरामिडल पिरामिडल दी शेप इनवर्टेड अम्ब्रेला लाइक ज्योमेट्री, पिरामिडल ज्योमेट्री. ठीक है, इनू ड्रॉ करन दे लई बेटा डी ऑर्बिटल जिहड़ा इनवॉल्व होना है दैट इज डी जेड स्क्वायर ऑफ द इनर और पेनल्टीमेट शेल. वैन वन डी जेड एन माइनस वन डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा इनर शेल का, इनर शेल का दैट इज पेनल्टीमेट शेल का. और डी ऑर्बिटल केड़ा होएगा बेटा, डी जेड स्क्वायर दैट इज लाइंग अलोंग द जेड एक्सिस, दोनों लोब्स जड़ियाँ लाई कर दी. When one DJ orbital and one DJ orbital or DJ square orbital, इन मैं draw कर ला. This is x axis, this is y axis, this is z axis. बेटा पहला आप आ lobe draw कर लिए, आ metal अगर है ना, इधर sign की होना negative. आह जड़ा अनदर लोब जिहदा प्लस साइन होगा. ठीक है, डी जेड ऑर्बिटल केड़ा पेनल्टीमेट शेल दा, एन माइनस वन डी जेड स्केयर ऑर्बिटल इनर. वैन वन डी जेड स्केयर ऑर्बिटल ऑफ ट्रांजिशन इनर, डी जेड स्केयर ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल ऑफ द वैलेंस शेल. एंड वन एस वेल एस ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल. And three p orbitals. बेटा ठीक नहीं बनी लोब जरा. जे मैं आ पी जेड कमां, ए पी वाई कमां, दिस इज पी एक्स, ये इंटरमिक्स हो गए. वन डी ऑर्बिटल केड़ा पेनल्टीमेट शैल का, डी जेड स्केयर इनर डी ऑर्बिटल, तो वन एस ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शैल एंड थ्री पी ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शैल ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एटम एंड और आयन गेट इंटरमिक्स रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ वन टू थ्री फोर फाइव फाइव हाइब्रिड ऑर्बिटल. Their name will be DSP3 as they will undergo DSP3 hybridization. So they will undergo DSP3 hybridization. ठीक है बेटा, DSP3 hybridization. बेटा ट्राइगनल बाईपिरामिडल नूं अपन TBP भी लिखते हैं, छोटी टर्म TBP ज्योमेट्री होंगी है ट्राइगनल बाईपिरामिडल. इन मैं ड्रग दिखाना, दो तरह के बॉन्ड एंगल हो गए बेटा ये TBP की ज्योमेट्री. तो पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल जोड़े आ इक्विलेटरल बेटा, इदा होनी चाहिए है ज्योमेट्री. आगे ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, ये अराउंड आ तीन बॉन्ड बने, आ ट्रांजिशन मेटल है. अगर आ इक्विलेटरल डॉटेड लाइन बॉन्ड नहीं है, ज्योमेट्री देख रहे हैं, आह तीन बॉन्ड बनाऊगा, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल इदा हो गए. दो ए एट एन एंगल 120 डिग्री हो गए, एक लेटल ट्राइंगल होगी बेटा TBP, ट्राइगनल बाय ट्राइगनल है ना, हाँ ट्राइगनल होगी, प्लेनर ज्योमेट्री है. फिर ये एट 90 डिग्री है ना, ई प्रेजेंट होगा आ 90 डिग्री ते. तो देखो बेटा इनू देखोगे तो आह इतने हाइब्रिड ऑर्बिटल आ होना, इतने होना 90 डिग्री तो होना. एक पिरामिडल ये होगी बेटा इनवर्टेड अमरेला लाइक, आ इनवर्टेड अमरेला होगी इदा ही. आह दूजा देखोगे तो आह इनवर्टेड अमरेला होगी, क्लीयर. वो पत्तियां जो उड़ जाता की कहते हैं तूफान के छतरी पकड़ी हुई है, मीह पै रहा तूफान भी है तो वह छतरी उपर हो जाती है. तो आप कहने वो ज्योमेट्री आ TBP है ना. तो हूँ इदा ही असं ड्रॉ कर देनी ज्योमेट्री. हूँ ये की होगा बेटा कि आ दो एंगल आह दो ऑर्बिटल एट 90 डिग्री होने हैं DSP3 दे, ये भी DSP3 हो गया. बाकी दो तीन ऑर्बिटल
एट एन एंगल 120 डिग्री होने हैं, ठीक है। डी एस पी थ्री तो इन्हों जो असं इन इदा मिलावे सॉरी इदा, ठीक है, तो आह ट्राइगनल टी बी पी जमैट्री होगी ट्राइगनल बाई पिरामिडल, क्लीयर। हूँ असी करना ऑक्टाहीडल जमैट्री। पहला ऑक्टाहीडल करन तो पहला भी असी स्केयर पिरामिडल भी करनी है जो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ही हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि टी बी पी जमैट्री मिले तो इतने एंगल जो 120 ट्राइंगल ट्राइगनल प्लेनर जमैट्री का होएगा, क्लीयर बेटा। हूँ असी करना ये डी एस पी थ्री है ना। हूँ एस पी थ्री जो डी होगी हाइब्रिडाइजेशन जो कोऑर्डिनेशन नंबर जोड़ा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मैटल एटम और आयन की है बेटा 5 ही है, तो वह अंडरगो करता है एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन। एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो स्केयर पिरामिडल जमैट्री मिलनी है, स्केयर पिरामिडल एक पिरामिडल इन एक वो बाई टू सी टी बी बी ट्राइगनल तो अलावा दो बाई मीन टू पिरामिडल मीनस इनवर्टर अमरेला, तो इतने एक स्केयर तो एक पिरामिडल में बनना है, ठीक है। पिरामिडल जमैट्री होगी, स्केयर पिरामिडल जमैट्री बेटा। तो हूँ ये डी ऑर्बिटल कि इनवॉल्व होगा वह भी आप दसना है। सो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर जो ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन का एस पी जड़ा है फाइव है तो एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन भी अंडरगो कर सकता है ट्रांजिशन मेटल एटम और रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ स्केयर पिरामिडल जमैट्री। स्केयर मतलब चार पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल एस पी थ्री डी जो मिलने हैं उन्होंने चार विल बी प्रेजेंट एट द फोर कॉर्नर ऑफ ए स्केयर एंड फिफ्थ विल बी एट परपेंडिकुलरली लाई, तो दैट विल रिजल्ट इन टू पिरामिडल इनवर्टेड अम्ब्रेला लाइक शेप। तो वो जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करना है वो बैलेंस शैल का ही डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करना है और बैलेंस शैल का 1s एंड 3p ऑर्बिटल एंड बैलेंस शैल का ही 1d ऑर्बिटल विच वन डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एक एक नंबर क्वेश्चन आ जाता दे विल अंडरगो एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ 5 एस पी थ्री डी हाइब्रिड ऑर्बिटल आउट ऑफ द 5 4 विल बी प्रेजेंट एट द 4 कॉर्नर अ डॉटेड लाइन जस्ट ज्योमेट्री नू समझाने लिए है कोई बॉन्ड नहीं है डॉटेड लाइन का दे आर प्रेजेंट एट एन 90 डिग्री एंगल एंड फिफ्थ वन लाई परपेंडिकुलर अगेन एट 90 डिग्री इत सो स्केयर पिरामिडल ज्योमेट्री होएगी, ठीक है बेटा। इनू मैं इदा ड्रॉ कर दिनी हाँ स्केयर प्लेनर ट्रांजिशन मैटल इतने ट्रांजिशन मैटल भी लिखनी है ना ट्रांजिशन मैटल बेटा है ना। तो आज चार लाए गए बेटा आ देखो आ स्केयर प्लेनर हो गया तो आ जो इनू देखोगे तो इनवर्टेड अमरेला लाएगा ए 1 2 3 ओपन हो गई, ठीक है क्लीयर बेटा। लास्ट करना सी जे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन के दे बराबर है 6 दे बराबर है 6 तो अंडरगो केड़ी हाइब्रिडाइजेशन होएगी डी टू एस पी थ्री जे इनर डी ऑर्बिटल है जे 2 इनर डी ऑर्बिटल ऑर्बिटल केड़े वो भी इनर डी ऑर्बिटल बेटा पेनल्टीमेट शैल दे जे एन प्रिंसिपल बैलेंस शैल क्वांटम नंबर बैलेंस शैल का क्वांटम नंबर तो एन माइनस 1 डी डी केड़ा बेटा डी ऑर्बिटल जिहड़ा होएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दूसरा ऑर्बिटल केड़ा होएगा एन माइनस 1 डी जेड स्क्वायर दोनों पार्टिसिपेट करूँगे, ठीक है इन हाइब्रिडाइजेशन। जे हाइब्रिडाइजेशन हैगी एस पी थ्री डी टू तो आ डी ऑर्बिटल आउटर शैल दे ही होने आउटर शैल
ठीक है, आउटर शेल दे डी ऑर्बिटल होने हैं या वैलेंस शेल दे, है ना, डी ऑर्बिटल्स। ए डी ऑर्बिटल्स केड़े होने हैं, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एंड डी जेड स्केयर, इतने एन लिख लोंगे, ठीक है, तो इन्ना क्लीयर। हाँ जी बेटा, हूँ जो इनर की गल करिए, है ना, इनर डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ऑर्बिटल, एक्स आ जेड आ वाई आ, प्लस प्लस माइनस माइनस, दिस इज इनर एन माइनस वन डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ऑर्बिटल। दूसरा असी ले लें डी जेड स्केयर, वाई एक्स जेड, इन मैं दिखाने लिए पहला रिंग की फॉर्म च इहदा वेव फंक्शन माइनस होएगा, और दूजी लॉग जड़ी है ए प्लस साइन, सो दिस इज डी जेड स्केयर। डी जेड स्केयर के एन माइनस वन डी जेड स्केयर ऑर्बिटल, प्लस वन एस बैलेंस शेल का एन डी टू एस पी थ्री, टू थ्री पी ऑर्बिटल्स ऑफ बैलेंस शेल, एन पी जेड एन पी वाई एन पी एक्स, दिस इज वाई, से दिस इज एक्स, सो ए इंटरमिक्स हो गए अंडरगो इनर डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीन द चार द छे, विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सिक्स कॉर्नर ऑफ ए ऑक्टाहीड्रन। के ऑर्बिटल ट्रांजिशन मेटल एटम दे, वन डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एंड वन डी जेड स्केयर ऑर्बिटल ऑफ इनर और पेनल्टीमेट शेल ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन एंड वन एन एन एस ऑर्बिटल एंड थ्री पी ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन विल अंडरगो इनर डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन एंड रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल विच आर प्रेजेंट एट द सिक्स कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर ऑक्टाहीड्रॉन, ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री होएगी। बेटा मैं जिदा बोल रही हूँ उदा ही तुसी लिखना है, हुण इहनूं मैं ड्रॉ कर दूंगी। वैसे होना किदा चाहिए, आ अगर मेटल इधर भी लाइक आह होएगा इधर एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल आ भी, ठीक है, तो इहनूं मैं ड्रॉ करन लगी हूँ, आ मेटल आ, ओह दोबारा ड्रॉ करते हैं मेटल, ठीक है बेटा, आ स्केयर प्लेनर वाली गल कर लिए, ठीक है बेटा, इन्होंने मिला दिए। सो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर है, डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, 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 क्लीयर है बेटा। ये तो इनर की गल हो गई, हूँ असी करनी है आउटर भी, आउटर दे विच एस पी थ्री डी टू, वन एस ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल, थ्री पी ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल, एन पी ऑर्बिटल थ्री हो गए, ठीक है जी, एंड हूँ असी ड्रॉ करना है डी जेड स्केयर, पहला ड्रॉ कर लें, ये इनर शेल का नहीं आउटर शेल का, आउटर बैलेंस शेल दी डी जेड स्केयर, ए वाई है तो ए एक्स है तो आ जेड नेगेटिव, आ दूजी लॉग पॉजिटिव पॉजिटिव, ये डी जेड स्केयर हो गया आउटर शेल का ही, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर लेना एंड दे विल अंडरगो इंटरमिक्सिंग, दिस इज एक्स दिस इज जेड
this is y minus minus here along x axis lie karega along plus plus there will undergo what type of outer sp3d2 hybridization ठीक है बेटा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होएगी उन्हें तुम ड्रॉ करना थानू आता ही है ठीक है बेटा मेटल अगर इन्हों मिलाओगे इसके आप लेना ठीक है बेटा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी sp3d2 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 इन्ना क्लियर बेटा बेटा इंपॉर्टेंट है लिमिटेशंस आ जाए जा ड्राबैक्स कह दें जा ड्राबैक कह दो ड्राबैक्स पिटफॉल्स कुछ भी आ जाए लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी BBT थ्योरी BBT भी कल कई बार कह देंगे वट आर द लिमिटेशन वट आर द शॉर्टकमिंग्स वट आर द ड्राबैक्स ड्राबैक्स of the valence bond theory. Valence bond theory successfully explained many stereochemical and magnetic properties of the coordination compounds of the transition metal. However, it has many limitations. Ek ta beta main limitation jehdi valence bond theory di hai ki it provides only qualitative explanation for complexes. Coordinate complexes layi inne ki gal kiti beta ki sirf ते सिर्फ कादी गल कीती है क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली नहीं दस्या कि की होगा की नहीं होगा ठीक है सो बेटा एक गल होगी कि इट प्रोवाइड ओनली क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर द कोऑर्डिनेट कंप्लेक्सेस इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एंड द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ द कंप्लेक्सेस इन्हें कलर नहीं दसाया कि कईयों का कई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर होंदा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करते हैं वो क्यों करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्यों होंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा उन्होंने क्यों ऑब्जर्व करते हैं कोऑर्डिनेट कंपलैक्स ऑफ ट्रांजिशन मैटल्स का दैट इज़ नॉट एक्सप्लेन बाय द valence bond theory. The theory failed to explain why some metal complexes in a particular oxidation state are low spin inner orbital complexes while some other complexes of the same metal in the same oxidation state are in high spin. Ki hunde beta high spin complexes? High spin complexes jinna vich number of unpaired electron ki hunde hai? Jyada hunde hai. Low spin jinna vich number of unpaired electron ghat hunde hai. ठीक है जी दे आर लो स्पिन नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिन्हें घट हो हाई लो स्पिन जेडे जिन्हें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट हो ट्रांजिशन मैटल कंपलैक्स के ट्रांजिशन मैटल आयन तो आप उन्होंने कहने हाई स्पिन तो मैं क्या इतने ये थ्यूरी जी है बैलेंस बॉन्ड थ्यूरी जी है फेल होगी टू एक्सप्लेन कि सेम मैटल सेम ऑक्सीडेशन स्टेट चा बट डिफरेंट कंपाउंड तो डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट कोऑर्डिनेट कंपलैक्सिस सेम मैटल आ सेम और ऑक्सीडेशन स्टेट आ ईवन दैन सेम मैटल एटम और आयन पर क्योंकि उन्होंने लाइगेंड डिफरेंट लगे हुए सानू उस टाइम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लाइगन की ज़्यादा डिटेल ना गल नहीं हुई सी ओबियसली लाइगन द स्ट्रेंथ की गल नहीं हुई सी ओबियसली सेम मैटल एटम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट दे विच दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट कंपलैक्सिस दे विच एक हाई स्पिन होएगी तो एक लो स्पिन फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं लवा कंपलैक्स फॉर एग्जाम्पल मैं लैनी हाँ कंपलैक्स कोबाल्ट दा हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 आयन एदी ऑक्सीडेशन स्टेट इतने कोबाल्ट दी 3 है हुण अनदर कंपलैक्स मैं लै रही हाँ बेटा कोबाल्ट दा हैगजा फ्लोरो कोबाल्टेड 3 आयन इतने भी ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट दी सेम आ 3 आ पर फॉर्मर जेड़ा लो स्पिन आ लो स्पिन कंपलैक्स आ कोबाल्ट जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम सी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट
of same metal ion. ठीक है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, दोनों च सेम कोबाल्ट 3 कोबाल्ट 3, पर ए लो स्पिन कंपलैक्स है, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट लैस आ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लैस आ, ये हाई स्पिन कंपलैक्स आ, इतने एल एस लिख दें लो स्पिन हाई स्पिन, ये हाई स्पिन कंपलैक्स आ, जो हाई स्पिन कंपलैक्स आ तो मैं मतलब एच एस लिखना, तो मेरी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये को ज़्यादा है, ये एक्सप्लेन नहीं किया बाय द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है जी, सो दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन बाय सम मेटल कंप्लेक्सेस, बाय सम मेटल कंप्लेक्सेस इन ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट आर लो स्पिन इनर ऑर्बिटल कंप्लेक्सेस, वाइल सम अदर कंप्लेक्सेस ऑफ द सेम मेटल आयन इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आर हाई स्पिन आउटर ऑर्बिटल कंप्लेक्सेस। फॉर एग्जाम्पल हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 आयन एंड हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट 3 आयन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज हियर प्लस 3 बट द फॉर्मर दैट इज हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 आयन इज लो स्पिन इनर ऑर्बिटल कंप्लेक्स एंड द लेटर दैट इज हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट 3 आयन इज हाई स्पिन कंप्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कंप्लेक्स। नाउ इट डज नॉट प्रडिक्ट कि रैलेटिव स्टेबिलिटी जी है डिफरेंट कोऑर्डिनेट कंपलैक्सिस की, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया बेटा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, रैलेटिव रैलेटिव मीन होंगे कंपैरेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेट कंपलैक्सिस की, कुछ जड़े जड़े जो वी नो दैट कि सर्टेन जड़े आ कंपलैक्सिस लेबाइल होंगे लेबाइल, बट के सर्टन कंपलैक्सिस लबाइल होंगे जिन्हों के जड़ी है जदों किसी अटैकिंग रीजन ट्रीट करते हैं उस कंपलैक्स में कोऑर्डिनेट कंपलैक्स में, तो वो लाइगनज ईजीली रिप्लेस हो जाते हैं, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द लाइगन विल बी वेरी वेरी रैपिड, सो आप कहेंगे वो कोऑर्डिनेट कंपलैक्सिस लबाइल आ, तो कुछ जड़े आ कोऑर्डिनेट कंपलैक्सिस जदों उन्होंने ट्रीट करते हैं अटैकिंग रीजन तो उन्होंने लाइगन जोड़े ईजीली रिप्लेस नहीं हो पाते, आप कहने इनर्ट आ, सो कायनैटिक स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो इट डज नॉट प्रडिक्ट द रैलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपलैक्सिस, वी नो दैट सर्टेन कंपलैक्सिस आ कोऑर्डिनेट कंपलैक्सिस आ लेबाइल इन विच द डिसप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट सब्सिट्यूशन ऑफ लाइगन टेक प्लेस रैपिडली, किदा होनी है बहुत जल्दी ना होनी है, जबकि वाइल सम कोऑर्डिनेट कंपलैक्स आर इनर्ट, इनर्ट का मतलब बेटा की है कि इन विच द लाइगन रिप्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट सब्सिट्यूशन बाय अनदर लाइगन इज वेरी स्लो। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी does not explain the kinetic inertness of the complexes such as chromium 3 and low spin cobalt 3 octahedral complexes. Please inu mind ch rakhna kinetic inertness of coordinate complexes chromium 3 de te low spin low spin matlab number of unpaired electron ghat cobalt de matlab high spin matlab ki cobalt de low spin cobalt 3 de low spin octahedral complexes di kinetic inertness nu explain nahi kar paya balance bond theory. It does not balance bond theory does not explain the variation of magnetic moment value with the temperature. मैगनैटिक मूवमेंट जी है जिन्ना भी एक कोऑर्डिनेट कंपलैक्स ट्रांजिशन मैटल को अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उत्तों की असं मैगनैटिक मूवमेंट कर लें, वो किदा वेरी करती है म्यू मैगनैटिक मूवमेंट कर लें, तो वह टैंपरेचर के नाल किदा वधदी या घटती है वो ये बैलेंस बॉन्ड थ्यूरी ने एक्सप्लेन नहीं किया। Then it does not take into account the splitting of energy levels. सानू पता है 5d orbital जेड़े है dxy, dyz, dzx जिन्हां दी लोब्स इन बिटवीन लाई कर दिया एक्सिस और dx square minus y square and dz square orbital transition metal atom दे transition metal atom और आयन दे वो लाई कर दे along the along the axis, पर ये 5d orbital दी एनर्जी आपां कहने हैं कि न्यूट्रल मैटल एटम दे विच ट्रांजिशन मैटल एटम आयन दे विच वो की है डीजनरेसी डीजनरेसी सेम नंबर सेम एनर्जी सेम
एनर्जी रहती है, पर डीजनरेसी जदों अप्रोच करते हैं लाइगन तो डीजनरेसी स्प्लिट कर जाती है। उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, डीजनरेसी टुट जाती है और दो सैट ऑफ ऑर्बिटल जे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, चार लाइगन मूव कर रहा टूवर्ड्स या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, चार लाइगन मूव कर रहा टूवर्ड्स द डी ऑर्बिटल ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एटम आयन, चार लाइगन मूव कर रहा, तो उन्होंने डीजनरेसी सेम नहीं रहनी। अभी ऑक्टाहेड्रल दे छे लाइगन अप्रोच कर रहे एक ट्रांजिशन मेटल एटम की तरफ दे डी ऑर्बिटल की तरफ, तो वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंडर जी डीजनरेसी सेम नहीं रहती, रे कर जाती हाइपोथेटिकली, फिर वो ब्रेक कर जाती है, जिहड़ा कि आप प्लस टू के किया तो हूँ भी करना क्रिस्टल फील्ड थ्यूरी के अंडर। तो ओबियसली ये बैलेंस बॉन्ड थ्यूरी का एक लिमिटेशन है कि इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द स्प्लिटिंग ऑफ दी एनर्जी लैवल, मीन स्प्लिटिंग ऑफ द डीजनरेसी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। इट डज नॉट प्रडिक्ट द रैलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी होएगी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। बैलेंस बॉन्ड थ्यूरी डज नॉट प्रडिक्ट वैदर द फोर कोऑर्डिनेटेड कंपलैक्स बैलेंस बीबीटी डज नॉट प्रडिक्ट द प्रडिक्ट वैदर द फोर कोऑर्डिनेटेड कंपलैक्स विल स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। आप कहते जो कोऑर्डिनेशन नंबर चार हो हाइब्रिडाइजेशन जी जो स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, या फिर वो टेट्राहेड्रल हो सकती है एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, वो इनू भी नहीं प्रडिक्ट कर पाई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि कोऑर्डिनेट कंपलैक्स की दे ट्रांजिशन मेटल की आइटम की और आयन की ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होनी है और टेट्राहेड्रल होनी है। दिस कैन बी एक्सप्लेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मैगनैटिक मूवमेंट वैल्यूज ऑफ द कंपलैक्सिस, तो ये आपने एक्सप्लेन दिस कैन बी एक्सप्लेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द मैगनैटिक मूवमेंट वैल्यू म्यू। फॉर एग्जाम्पल द डिसीजन अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ निकल टू कंपलैक्सिस डिपेंड्स अपॉन द मैगनैटिक मूवमेंट वैल्यू। बैलेंस बॉन्ड थ्यूरी ने मैगनैटिक मूवमेंट वैल्यू के बेस से कहा कि निकल टू के कंपलैक्स स्क्वायर प्लेनर हो गए। फॉर एग्जाम्पल निकल टू आयन हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d8, इफ द कंपलैक्स इन्वॉल्व एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन इट वुड हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 3d ऑर्बिटल रिमेन अनअफेक्टेड। हुण देखो 3d8 सीगा बेटा, हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आ 3d ऑर्बिटल है ना, वह इनर शैल ऑर्बिटल, तो आ 4s 4p वह वैलेंस शैल है। तो जे इन्हें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अंडरगो करनी है तो एस ते पी एक एस ते तीन पी ऑर्बिटल वैलेंस शैल दे ट्रांजिशन मेटल निकल दे ओ निकल टू दे ओ इंटरमिक्स हो गए जेडे के खाली हो गए और इंटरमिक्स होकर तीन चार एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओगे तो डी ऑर्बिटल उन्होंने पेनल्टीमेट शैल का की रहेगा अनअफेक्टेड। तो हंड्स रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन तो पहला एक एक सारे च गया क्योंकि एनर्जी डी जनरेट है डी ऑर्बिटल, ठीक है जी। सो 5-6 फिर पेयरिंग पेयरिंग हुई तो आह दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह गए। सो ऑन द ये मतलब दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो मैगनैटिक मूवमेंट जी आप जे कढ़ीए स्केयर रूट ऑफ एन इंटू n+2 है ना, इदा करते हैं तो बोहर मैगनेट्रॉन च आ जानी। ऑन द अदर हैंड इफ द कंपलैक्स इनवॉल्व डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन इट वुड हैव स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री। दिस इज पॉसिबल इफ द टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड अप देयर बाय मेकिंग आह जे आ पेयर अप हो जूगा बेटा, जे पेयर अप हो गया अपन डी ऑर्बिटल जे ने डी टू डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन शो करनी है आ दो दो चार दो छे है ना असासी आ पेयर अप हो गया, पेयर अप हो गया तो खाली हो गया डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल केड़ा पार्टिसिपेट करना है स्क्वायर प्लेनर च इनर ही है ना, तो आ इनर हो गया एन माइनस डी ऑर्बिटल भी केड़ा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना एस पी टू आह डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी एन एस ते आ एन पी ऑर्बिटल दो ते दे विल रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ डायमैगनैटिक हो जूगा ये कंपलैक्स निकल टू कंपलैक्स डायमैगनैटिक हो जूगा। सो ऑन द अदर हैंड इफ द कंपलैक्स इनवॉल्व डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन इट वुड हैव स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। दिस इज पॉसिबल इफ द टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड अप देयर बाय मेकिंग वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल एम्प्टी। दिस इज देर इज नो दज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहा है डायमैगनैटिक हो गया एंड द कंपलैक्स वुड बी डायमैगनैटिक। इतने दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है जो एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन शो कर दिया तो वो अनअफेक्टेड डी ऑर्बिटल रहता तो ओबियसली दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो वह पैरामैगनैटिक होएगा। हाँ बेटा इन्होंने दिखाता। सो इट आल्सो फेल टू गिव ए सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर टेट्रामाइन
कॉपर टू आयन कॉपर यह आप कंपलैक्स प्रपेयर किया है ना ये किया ना प्रैक्टिकल दे विच टेट्रा अमाइन कॉपर टू कंपलैक्स आयन जिहड़ा आ कोऑर्डिनेट कंपलैक्स आयन इस क्यों प्लेनर हुंदा इनू भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया बैलेंस मॉन्ड थ्योरी डज नॉट टेल अस वाई वॉटर एंड हलाइड आयन एच टू एंड हलाइड आयन एक्स नैगेटिव सी एल नैगेटिव एफ नैगेटिव बी आर नैगेटिव आई नैगेटिव कॉमनली फॉर्म हाई स्पिन कंपलैक्सिस वाइल साइनाइड फॉर्म लो स्पिन कंपलैक्सिस साइनाइड जेड़ा बेटा साइनाइड वो बनाता है लो स्पिन कंपलैक्स विद द ट्रांजिशन मैटल जबकि हलाइड्स के वॉटर जेड़े आ हाई स्पिन कंपलैक्स बनाते हैं उन्हें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने हैं साइनाइड जेड़ा लो स्पिन कंपलैक्स या डायमैग्नेटिक कंपलैक्स बनाएगा इन नाल ये टॉपिक खत्म।